तो गाइस आपने जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि हम लोग ये कार को मॉडिफाई कराने आए थे जिमी की, तो और मुझसे ठुक भी गई थी, तो हम अंदर चले गए थे पर बाहर आते हुए कि मैंने दिखाई नहीं थी क्योंकि मैंने वीडियो एंड कर दी थी। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पूरे 6 घंटे बाद वेट करने के बाद मेरे को हमारी ये कार मिल गई है जिमी की, और मैनी ने इसको क्या ही बना दिया है, क्या लुक लग रही है भाई साहब, ऐसा लग ही नहीं रही है हमारी वो कार है जो हम लेके आए थे। ऐसा लग रहा है अभी शोरूम से नई नवेली दुल्हन निकाली हमने नई। ओहो मज़ा, अभी तो चिरोन भी नहीं लग रही है, तो बुगाटी डीवो में कन्वर्ट कर दिया साले ने, इतनी बढ़िया ऐसे मॉडिफिकेशन कर दिए ना गाइस, क्या लग रही है। मैं आपको उसके अलग अलग एंगल से दिखा दूँ आपको, ये देखो फुल सिनेमेटिक व्यू से दिखाऊंगा आपको जो पिक्चरों में होता है फुल। अपने पे बजट हाई है हमारा, सिनेमेटिक व्यू हम पैसा लगाते हैं वीडियो पे, ऐसी बात नहीं है। ऊपर से देखो क्या ही छाता है, बस इसके अंदर सनरूफ नहीं है, शीशा है कार के अंदर, ऐसी बात नहीं, आर पार देख सकते हैं, टायर की रिम भी देख सकते हैं, फ्रंट व्यू साइड व्यू सारे व्यू हैं हमारे पास। मैं ऐसे ऐसे व्यू हैं वो मैं नहीं दिखा सकता, तो हमें लेट भी हो रहा है, 6 घंटे में यहाँ पर बहुत बोर हो गया हूँ, तो हम निकलते हैं, इसको घर भी छोड़ना है जिम्मी भैंसे को, साले ने बहुत दे। ओए गाइस अब ये चेक कर सकते हैं, जैसे गाड़ी का पेंट है वैसी उसकी स्मोक टायर में से निकालती है भाई साहब, क्या ही मॉडिफिकेशन करी है बैनी ने, मज़ा आ गया। ओहो क्या ही, ओ स्पीड देख रहे हो गाइस, मेरे से तो कंट्रोल भी नहीं हो रही, एकदम से भागी जा रही है तो। और भाई क्या शाइन रोड पे, अलग ही इसकी प्रेजेंटेशन दिख रही है, चमक रही है ये तो अलग सी, अलग बाकी कारों का तो कुछ रंग ही नहीं पता चल रहा है, यही ऐसा लग रहा है बस एक यही कार है जो चल रही है, बढ़िया लग रही है, पर ये मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही, पता नहीं क्यों उसने एकदम रेसिंग ट्रैक वाला पता नहीं क्या डाल दिया इसके अंदर, इतना फास्ट इंजन टर्बो और वो सब डाल दिया है। मैं आपको बढ़िया से दिखाता हूँ रोड प्रेजेंस, लोगों को संतरी धुआं भी दिखाऊँ, लोगों को पता चलना चाहिए संतरी गाड़ी के साथ संतरी धुआं है हमारे टायर के अंदर, पैसा लगा ऐसी बात नहीं है, पर ये जिम्मी का नहीं लगा, उसके बाप का लगा है जो कि मेरा फ्रेंड है माइकल भाऊ। इसको घर छोड़ने में मेरे को ये बहुत दिमाग खाता है, इस पहले आपको एक बात सच्ची बताऊँ, ये बहुत बोलता है भैंसा, बोलता जाएगा ना बोलता जाएगा ये दिमाग खा जाता है। अब मैं बोर हो जाता हूँ, इसलिए मैं आपको उसकी बात सुना भी नहीं सकता, इसलिए मैं कट करके सीधे इसके घर पहुँचते हैं हम लोग, 1, 2 और ये 3। तो गाइस हम आ गए यहाँ पे, बस इधर से लेफ्ट लेंगे और हम उसका घर दिख जाएगा, और वो आप हमारी कार देख ही सकते हो क्या ही लग रही है भाई साहब, मेरे को तो पसंद है कार। माइकल फ्रैंकलिन भी सोच रहा होगा कि भाई देखो पैसा तो फ्रैंकलिन पे भी है पर उसको भी जलन मस्ती है भाई, कोई फ्रेंड का बेटा है, जो भी फ्रेंड ले या फ्रेंड का बेटा ले, इसको जलन मच रही है कि ये सुअर इतना भी बड़ा भी नहीं हुआ है और उसको इतनी बढ़िया कार मिल गई है बर्थडे गिफ्ट पे। तो कहे तो हमारा फ्रैंकलिन भी सोच रहा है कि एक पे वाइट कलर की सिंपल सी कार है, तो वो भी कुछ सोच रहा है कार वार लेने की, कौन सी कार लेने की सोच रहा है फ्रैंकलिन, तो उसके लिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो मेरी बाइक कहाँ गई है, तो बाइक तो हमने यहीं खड़ी करी थी, कहाँ चली गई बाइक हमारी, इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है भाई साहब, बाइक कहाँ गई, इधर ये इधर क्या कर रही है मेरी बाइक, इधर किसने खड़ी करी है, इससे पूछता हूँ। तो तूने मेरी बाइक खड़ी करी है, बोलता नहीं ले मुक्का खाता है, बता जवाब नहीं दे रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है मेरा वो। तो गाइस हम लोग अब निकलते हैं फ्रैंकलिन के घर, फ्रैंकलिन वैसे बहुत थक चुका है, कार मॉडिफिकेशन में कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगे वैसे भी हमारा, और फ्रैंकलिन के लिए तो ऑलमोस्ट डे वेस्ट हो गया उसका क्योंकि काम तो जिम्मी का था। और फ्रैंकलिन एक्साइटेड है नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में कुछ तहलका वाला मचेगा। तो हम लोग आ चुके हैं फ्रैंकलिन के घर पे गाइस, और फ्रैंकलिन अब जाएगा और आराम करेगा क्योंकि 6 घंटे वेस्ट करना कोई फ्रैंकलिन और जिम्मी से सीखे, मतलब जिम्मी के तो नहीं हुए फ्रैंकलिन के हुए, क्योंकि जलन मच रही है उसको, मैं समझता हूँ गुस्से में है वो बहुत ज़्यादा भी, पता नहीं क्यों वो देख लो इतने गुस्से में, हेलमेट उतारना भूल गया, घर में आके उतार रहे हैं, फेंक दिया, गुस्से में है वो। अब इसका गुस्सा मेरे को अगली वीडियो में भगाना पड़ेगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज़।